अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन आज एक नया डिज़ाइन के साथ जो नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एप्पल डिज़ाइन जो नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक बड़ा सर्कल लगा रहे हैं। आप जितने बड़े साइज में जब बनाना चाहे उतना बड़ा सर्कल लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा भी। सबसे पहले हमने ये इस तरह एक सर्कल लगा दिया बड़ा। फिर हमने क्या, वो सर्कल वाला साइज इसी तरह देख सकते हैं आप, चारों नुकरों से रखकर जो सेंटर में लगे हुए निशान, इस तरह हमने 8 निशान और लगाए हैं। यानी कि इन उस सेंटर से और सेंटर के दरम्यान में 2 बराबर गैप में निशान लगाए हैं, एक आसान तरीके के साथ इस तरह, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ वीडियो में। ये निशान लगाने के बाद मिसाल के तौर पर ये हमारे निशान हो गए 12 टोटल, 4 पहले लगे थे, 8 बाद में लगाए, 12 निशान हो गए टोटल। ये मैं इनको नंबर दे देता हूँ, यानी कि एक सर्कल 12 हिस्सों में तकसीम हो गया हमारा, ये 12 निशान हो गए। इसी तरीके के साथ आप इसे, ये हम 2 नंबर को और 6 नंबर के साथ इस तरह एक लकीर खींचेंगे, थोड़ा नीचे तक ले जाएंगे मज़ीद। इस तरह हम 12 नंबर को 8 नंबर के साथ इस उसको भी मज़ीद नीचे ले जाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, मज़ीद आगे ले जाएंगे पल के निशान को। इस तरह 3 नंबर को 11 नंबर के साथ, फिर 5 नंबर को 9 नंबर के साथ, इस तरह हमने एक डब्बर तैयार कर लेना है बीच में डिज़ाइनिंग का। फिर हम ये 9 डब्बे हो गए, यानी कि 9 नुकरे बन गए, यहाँ पर हम भी निशान ले देंगे, ये 9 नुकरे बन गई हमारी। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने ये 4 नंबर पे रखकर और जो है ना 1 नंबर की नुकर पे इस तरह हमने पलकार देनी है, इस तरह 6 नंबर रखकर 2 3 नंबर की नुकर में इस तरह हाफ गुलाई देनी है। फिर हमने वही 4 नंबर पर रखकर इस तरह इसको आपस में एप्पल शेप में पलकार देनी है, इस तरह ये एप्पल शेप में हमें नीचे भी निशान लगा देना है, इस तरह ये नीचे हमने ये पलकार का निशान लगाया, यहाँ पर हमने धागा रखकर पलकार लगाएंगे इस जगह पर। ये हमने निशान दे देने ऊपर इस तरह, ये एप्पल की शेप देने के लिए नुकर जो ऊपर बनी हुई है। मज़ीद कम करना चाहें तो इसे थोड़ा नीचे आकर कम भी कर सकते हैं, इस तरह कम करना चाहें तो नीचे आकर थोड़ा कम भी हो सकते हैं गुलाई इसकी। अब हमने करना क्या, ये 6 नंबर है नीचे वाला बाहर वाला, इस तरह जो गुलाई पलकार ख़त्म हुई थी, इस तरह हम 8 के साथ इसको इस तरह लकीर खींचेंगे। फिर इस तरफ से भी इसी तरह जो पलकार हमारी यहाँ पर ख़त्म की थी हमने एप्पल शेप को देने के लिए, इस तरह। फिर हमने ये निकर में जो निशान लगाया था उसको हमने यहाँ पर इस तरह लकीर खींची। इसी तरीके से आप इसे, तरीका ये होगा जिस तरह मैंने बनाया है, बड़ा भी बना सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं। अब हमने करना क्या, ये नुकर में रख कर यहाँ पर एक गुलाई देनी है, यहाँ पर ये नीचे बनी हुई आप देख सकते हैं डिज़ाइन में, इस तरह भी इस तरह। फिर ये नुकर में रखकर इस तरह ये भी शेप दे देनी है नीचे बनी हुई, यही पलकार हमने इसी साइड की, यहाँ पर हमने ये जो एप्पल से ये गुलाई बनी हुई एक साइड पर वो हमने यहाँ पर दे देनी है। अब ऊपर जो पत्ती बनी हुई है जो ऊपर की तरफ से, उसको किस तरह बनाना है वो हमने जो 2 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में जो गैप है इस तरह, उसको हमने पेमाइश लेनी है इस तरह, इस नुकर में रखकर इस तरह ये पत्ती और उस नुकर में रखकर इस तरह ये पत्ती बन गई हमारे। इसी तरीके के साथ आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं उसमें व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।